चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। काफी लंबे दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, और आइए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो हमारी क्लासेस की शेड्यूल्स होती है, अकॉर्डिंगली हम क्लासेस को चालू कर रहे हैं। और आज की जो क्लासेस है वो बेस्ड है शासन व्यवस्थाओं पे, और शासन व्यवस्थाओं में हम पहला देख रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ये झारखंड स्पेशल क्लासेस आपकी चल रही है। इस झारखंड स्पेशल क्लासेस में हम देखेंगे कि मुंडाओं की शासन व्यवस्थाएं कैसी हुआ करती थी, और मुंडाओं के बारे में आपको पता है कि झारखंड में सबसे पहले अगर किसी ने फॉरेस्ट को या वनों को साफ करके अगर एग्रीकल्चर का काम किया है तो वो किसने किया था, तो मुंडाओं ने किया था। तो मुंडा शब्द का अगर आप बात करोगे तो इसकी स्पेशल पहचान होती है, और यह एक विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट अर्थ या गांव का राजनीतिक प्रमुख के नाम से होता है। मीन्स यह एक स्पेशल, आप बात करोगे अगर मुंडाओं की, तो यह एक स्पेशल कैटेगरी होता है, स्पेशल वर्ग का व्यक्ति होता है। ओके, जैसा कि बात मैंने करा था, और इसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, इसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। ओके, कि मुंडा जो है, ये मुंडा है, इनकी एक अलग आइडेंटिटी है सोसाइटी में, तो इसको लेके मुंडा की बात हो रही है, तो मुंडा की एक अलग आइडेंटिटी देखने को मिलता है आपकी सोसाइटी में। ओके, तो इसे इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है जिसे मुंडाओं के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि यह जो मुंडा की जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, या महत्वपूर्ण उनके जो पोस्टेस होते हैं। तो डेफिनेटली अगर मान लो कि ये मुंडा है और ये मुंडाओं का विलेजेस है, मुंडाओं का यह विलेजेस है, तो इस विलेज में जब मुंडा रहते होंगे तो डेफिनेटली इस विलेजेस में पीपल्स रहते होंगे। यहाँ पे क्या रहते होंगे, पीपल्स रहते होंगे। तो अगर पीपल्स रह रहे हैं तो पीपल्स मान लो कई तरह के पीपल्स हैं, कई तरह के जात वाले होंगे, कई तरह के बिरादरी वाले होंगे, कई तरह के सोसाइटी वाले होंगे। तो इन सबों के बीच में आपस में किसी न किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स होता होगा, इन सबों के बीच में डिस्प्यूट्स होता होगा, या इन सबों को अलग अलग अपने धर्म को मानने वाले लोग होंगे, तो इनके धर्म के क्रियाकलाप या इनकी जब मृत्यु होती होगी तो फिर इनके जो सबों को है, जो अंतिम संस्कार है, इन सबों की जो व्यवस्था की जाती होगी वो किनके द्वारा किया जाता होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं, मीन्स डिफरेंट पोस्ट, मुंडाओं की शासन व्यवस्थाओं को लेके जो डिफरेंट पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट की चर्चा हम लोग करेंगे कि मुंडाओं में किस तरह के पोस्ट देखने को मिलता है। ओके, चलिए पहला अगर हम देखते हैं तो मुंडाओं में सबसे पहला जो पोस्ट है उसका नाम क्या है, मुंडा। क्या नाम है जी? तो मुंडा, इनका सबसे पहला पोस्ट है, पॉइंट नंबर वन में करोगे, इसका नाम क्या हो गया, तो मुंडा। अब ये मुंडा वास्तव में होता क्या है, यह उस गांव का प्रधान होता है। लिखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्थाओं में गांव का प्रधान होता है। कौन? मुंडा। तो मुंडा गांव का प्रधान होता है, मुंडा गांव का प्रधान होता है। इसे लिखते चलेंगे आप सभी जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं सेशन को, वो जरूर लिखते चलेंगे। तो गांव का प्रधान होता है कौन, मुंडा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मुंडा का जो पोस्ट होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मतलब अगर आज आपके खानदान का कोई व्यक्ति मुंडा बना है, उसका बेटा, इसका मतलब यह पद जो है ये क्या होगा, वंशानुगत होगा। यह पद क्या होगा, तो वंशानुगत पद होता है। कौन सा? मुंडा। तो मुंडा जाति में जहाँ के मुंडा लोग रहते हैं, वो जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का प्रधान कौन होता है, तो मुंडा होता है। करेक्ट। और उस गांव के प्रधान को हम लोग मुंडा कहते हैं, और यह पद आपको क्या है, तो वंशानुगत है, मतलब पूर्वजों से यह चलता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता रहेगा। ओके, अगर पूछा जाए कि यह गांव का प्रधान है तो इनका वर्क क्या है, इस मुंडा का जो है ये वर्क क्या है, यह क्या काम करता है, क्या यह पूजा कराता है, क्या यह पूजा पाठ कराता है, या फिर किसी तरह के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है। तो इसका जो प्रमुख कार्य है लगान वसूल करना, ये गांव से क्या करता है, लगान वसूलता है। लगान का मतलब, आप जब कृषि कार्य करते हो तो वहां पर जिनकी शासन चल रही होती है
उनको आप क्या है एक लगान देते हो, और वो लगान वसूल करने का काम पेम्प का था, इसी का था। प्लस ये जो गांव की जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर्स, यह जो गांव की जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था का संचालन या इसकी देख रेख कौन करता है, यह मुंडा करता है। ओके। तथा जो गांव के बीच में जो आपसी विवाद होता है, आपसी विवाद, ये गांव के बीच में जो आपसी विवाद होता है, आपसी विवाद का निपटारा भी कौन करता है, तो मुंडा करता है। ये क्या मैं बता रहा हूं, ये आपसी विवाद मतलब छोटे मोटे झगड़ों को ये करता है, क्योंकि कोई इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है मुंडा। ये गांव का प्रधान होता है, गांव का हेड्स हो सकता है, तो गांव का प्रधान होता है, और यह पद इसका वंशानुगत पद होता है। लगान वसूल तथा विधि व्यवस्था को कायम रखने में काम करता है, यह मदद करता है और आपसी विवादों का निपटारा करता है। यह मुंडा का प्रथम कार्य हुआ। ओके। और यह जो मुंडा है, यह मुंडा शासन व्यवस्था के प्रथम अधिकारी बोल सकते हो, प्रथम पोस्ट बोल सकते हो। कौन हुआ मुंडा, तो पूरे गांव का एक प्रधान होगा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में इस गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं, मुंडा बोलता हूँ। और यह वंशानुगत होता है, लगान वसूल और विधि निर्माण व्यवस्था में काम करता है, और यह आपसी विवादों का निपटारा कर पाता है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो पोस्ट है उसका नाम है हाटू मुंडा। इस पोस्ट का नाम क्या है डियर, तो हाटू मुंडा। दिस पोस्ट इज नोन एज द हाटू मुंडा। और यह हाटू मुंडा का क्या काम है, यह देखना होगा कि हाटू मुंडा किस तरह का काम करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यह ग्राम पंचायत का, यह ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, का ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो, आपसे पूछा जाएगा कि यह ग्राम का हेड हो गया मुंडा, यह मुंडा शासन व्यवस्थाओं में, और हाथू मुंडा क्या हो गया, तो ग्राम पंचायत का यह क्या होता है, प्रमुख होता है। क्योंकि ये जो मुंडा के अंदर जो है, मुंडा मुंडाओं के ग्राम, मुंडाओं का एक ग्राम पंचायत होगा, उस ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, उस ग्राम पंचायत को हाटू कहते हैं। क्या कहते हैं, हाटू कहते हैं, लिखते चलिएगा। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, हाटू कहते हैं। जाहिर सी बात है, मुंडा गांव का हेड होता है, इसका मतलब इस ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा, हाटू मुंडा होगा। ओके। तो मुंडा शासन व्यवस्था में हाटू मुंडा ग्राम पंचायत का हेड होता है, और ग्राम का हेड कौन होता है, मुंडा होता है। मुंडा का जो पद होता है वंशानुगत होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में यह चलता चला जाता है, और मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हाटू कहते हैं, और ग्राम पंचायत के प्रमुख को हाटू मुंडा कहते हैं। क्लियर है। आइए तीसरा पद है जिसका नाम है परहा। परहा या इसका नाम क्या है, परहा, दोनों नाम से जाना जाता है, इट इज वेरी मच पॉपुलर। यह गांव से, यह कई गांवों से मिलकर पंचायत, मतलब एक विलेज V1 प्लस विलेज टू V2, कौन सा, तो मुंडाओं का विलेज, तो MV2 और MV1 प्लस मुंडाओं का विलेज MV3, ये तीनों विलेज को एक साथ आप अगर मिला दोगे तो इसकी जो एक पंचायत होगी उसको कहते हैं परहा पंचायत। क्या कहते हैं, परहा पंचायत। ओके। तो परहा पंचायत का काम क्या है, ये मान लो विलेज 1 और ये विलेज 2 और विलेज 3 और मोर देन विलेज 4, तो इन सबों के बीच में जो गांव से गांव के बीच में जो डिस्प्यूट्स होगा, उस डिस्प्यूट्स के विवादों का निपटारा कौन करता है, तो पढ़ा करता है। ठीक है। और अगर आप बात करोगे तो इसे मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जामिनेशनों में, तो सर्वोच्च न्यायालय कहा, जिस तरह से जेपीएससी वाले को काफी मौका मिला है, तो जरूर इसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। सो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है किसको भाई, तो परहा पंचायत को, या परहा। और ये परहा क्या होता है,
दो से अधिक गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है जिसे परहा कहा जाता है और मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, या इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा विधायिका कहा जाता है। करेक्ट। तो पता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय कौन है, तो पढ़ा। सर्वोच्च कार्यपालिका कौन है, पढ़ा। और सर्वोच्च विधायिका कौन है, तो पढ़ा। तो पढ़ा काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब जो पढ़ा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, मीन्स पढ़ा के जो प्रमुख अधिकारी होंगे, पढ़ा के प्रमुख अधिकारी मतलब इनमें कई पद होते होंगे क्योंकि इतनी बड़ी काम को देखना है, तो प्रमुख अधिकारी, पढ़ा के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो पढ़ा के प्रमुख अधिकारी होते हैं कुंवर, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, कुंवर। दूसरा होता है लाल, कुंवर लाल। पहला हो गया कुंवर, दूसरा हो गया लाल, तीसरा हो गया कारतो। क्या हो गया? कारतो। तो इनके जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कुंवर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पढ़ा के प्रमुख अधिकारी, पढ़ा के तो आप देख रहे हो प्रमुख अधिकारी कुंवर हो गए, लाल हो गए तथा कारतो होते हैं। ओके। अगर बताया जाए कि इस पढ़ा पंचायत में या मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को क्या पोस्ट मिला है, तो बता देता हूं कि मुंडा शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं का योगदान, नहीं के बराबर है। महिलाओं का योगदान नहीं के बराबर है। ओके। तो मुंडा शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं का जो शासन है, योगदान है, वो नहीं के बराबर है। ओके। चलिए अगली बात देखते हैं, अखरा। ये अखरा क्या होता है? अभी आपने देखा मुंडा, उसके बाद आपने देखा हाथू मुंडा, हाटू मुंडा के बाद देखा आपने परहा, और परहा के बाद देख रहे हो अखरा। अब ये तो जिस जगह पे ये परहा पंचायत बैठती है, प्लेसेस, इस प्लेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अखरा कहते हैं। मींस अखरा में ही कौन बैठेगा? तो परहा पंचायत बैठेगा, परहा पंचायत। तो परहा पंचायत की जो सीटिंग प्लेसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अखरा कहते हैं। क्लियर है? सिटिंग प्लेसेस को क्या कहते हैं? अखरा कहते हैं। और यह साथ ही साथ ये कल्चरल साइट्स होता है, या उस गांव का, इस गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। कौन? अखरा। गांव का सांस्कृतिक केंद्र, गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। गांव का सांस्कृतिक केंद्र कौन होता है? तो अखड़ा होता है। याद रखिएगा, ये अखड़ा जो होता है जिसमें परहा पंचायत बैठती है, जैसे आपने देखा होगा कई पीपल के पेड़ के नीचे या किसी जगहों पे ये जो पंचायत लगती है, उस पंचायत के जगह को आप लोग कहते हैं ना पीपर थान, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? उनको अखड़ा कहेंगे। किनका? अगर वह मुंडाओं का पंचायत बैठता है, और उसमें स्पेशली किस तरह का पंचायत? तो परहा। और परहा क्या होता है? कई गांवों को मिलाकर पंचायत जो बनती है उसे परहा पंचायत कहते हैं। और परहा पंचायत जो बैठता है वो कहाँ बैठता है? तो अखड़ा में बैठता है। करेक्ट। आइए अब देखते हैं मानकी। ये सब पोस्ट हैं जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। मानकी, तो ये जो आपका, आपने देखा ये पंचायत है, इस पंचायत में क्या है? ये पढ़ा पंचायत होगी। ये पढ़ा पंचायत कहाँ बैठेगी? अखरा में बैठेगा। तो अगर जब अखरा में बैठता है या पहरा पंचायत हो गया, तो इसका कोई हेड तो होगा, है ना? तो इसका हेड जो होता है उसका नाम क्या है? मानकी। ओके। तो पहरा पंचायत का हेड कौन होता है? मानकी होता है। तो मानकी क्या हो गया? हेड हो गया।
किसका? तो परहा पंचायत का। और पंचायत को बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो अखरा कहते हैं, और अखरा एक सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। ओके, अगर आप बात करोगे ये जो मानकी होता है वह वंशानुगत होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश, अगर किसी एक घर का एक व्यक्ति अगर यह बन गया है तो उसका आने वाला जनरेशन जो है वो बनता रहेगा, क्या मानकी बनता रहेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने देखा कि मुंडा भी क्या होता है, वंशानुगत होता है, और मानकी भी क्या होता है, वंशानुगत होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, तो ये इसका क्लियर है। चलिए इसको लिख के मैं इनको इरेज करूंगा, आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। इसको इरेज करता हूं फिर आगे की बात करता हूं। ओके चलिए, हम लोग देख रहे हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा वंश की शासन व्यवस्था में कई पदों को हमने देखा, अब चलिए आगे के पद हैं जो इम्पोर्टेंट पद हैं उनको हम लोग देखते हैं। ओके, इनके बाद आपके पास मानकी आपने देख लिया, अब आते हैं पाहन। तो अभी आपने देखा मुंडा, हाथू मुंडा, परहा, अखरा, मानकी, और हम लोग देख रहे हैं पाहन। तो जो मुंडा जो गांव होते हैं तो उनमें एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अलावा कुछ रिलीजियस वर्क भी होते होंगे। तो मुंडा जो है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान, मतलब जो रिलीजियस कामों को करता होगा ये धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो पाहन कहलाता है। ओके, यह गांव में क्या है रखेगा? शांति। यह गांव में शांति मींस पीस बनाए रखेगा, साथ ही साथ पूजा पाठ, पूजा पाठ में मददगार साबित होगा। ओके, ताकि आपने पुराने जमाने में बलि चढ़ाने की जो प्रथा है, ये बलि चढ़ाने में भी श्रद्धालुओं को मदद करेगा, ठीक है। तो आखिर में ये जो ये काम करेगा इनके लिए क्या इनको कुछ ना कुछ दान में दिया जाता होगा। तो इन्हें जो है एक भूमि दी जाती है, और यह जो इस भूमि पर उसको लगान नहीं लगेगा, मतलब अगर पाहन को कोई जमीन गिफ्ट में इनाम में दी जाएगी तो उस पे वो जो कृषि कार्य करेंगे उनको लगान नहीं मिलेगा। तो लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, भूमि प्रदान की जाती है। तो जो लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाली कटारी। ये लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को जो पूजा पाठ कराते हैं, ओके, श्राद्ध का कार्यक्रम कराते हैं, गांव गांव में शांति बनाए रखने का काम करते हैं, उनको जो दान में जो भूमि दी जाती है उस भूमि पे कोई लगान नहीं लगता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाली कटारी। याद रखिएगा, डाली कटारी इस भूमि का नाम होता है। किसका नाम होता है? जिसे पाहन को दिया जाता है। राइट डाउन करेंगे और फिर मैं इसे फिर आगे बढ़ाता हूँ। उम्मीद करते हो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अपने टाइम पे जो हमारे शेड्यूल्स है MWF, उस टाइम पे मैं सारी क्लासेस को वैसे ही कंटिन्यू कराऊंगा जिस तरह से क्लासेस होती है। ओके फाइन, ताकि आपको क्लासेस का गैप ना मिले और आपका क्लास कंटिन्यू चलता चले। फिर हम मंडे को सेम टाइम में मिलेंगे क्लासेस को कराते हुए, ताकि आपको क्लास की कमी महसूस ना हो। ओके, राइट डाउन करते रहेंगे, जैसे आप यूजुअली क्लास में राइट डाउन करते हैं उसी तरह से राइट डाउन करने का काम करेंगे। अब मैं थोड़ा इरेज करता हूं। ओके, बिल्कुल ही क्लास के जैसा आप लोग काम करेंगे, ताकि आपको ये कभी भी ना लगे कि क्लासेस नहीं चल रही है, क्लासेस चल रही है। ओके, तो आपने मुंडा मान की शासन व्यवस्था के तहत ये बातें अभी आप देख रहे हो। हम लोग शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए और आपको सेफ रखते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है। तो घर में रहें, सब्सक्राइब घर में रहें और सेफ रहें। ओके, ये दूसरा टर्म है भूत खेता।
कह दिया तो भूत खेता। ये याद रखना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुंडाओं के द्वारा होता है, मुंडाओं में प्रचलन है और मुंडा एक अच्छा स्थान रखता है झारखंड की जनजातियों में, क्योंकि झारखंड में जो फॉरेस्ट है या वन की जो वन है उसको वन को साफ करके और वहां पे सबसे पहले अगर खेती कार्य करने की शुरुआत करी थी तो किसने करी थी? मुंडाओं ने करी थी। ओके, भूत खेता। आपने देखा होगा गांव में भूत का प्रकोप, पहले पुराने जमानों में ये ट्रेडिशनल ये माना जाता है कि गांव में क्या होता है, भूत होता है, तो उनके प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। मतलब भूत, आप बोल सकते हो भूत और प्रेत, भूत और प्रेत के प्रकोप से ये अजीब का ट्रेडिशन है, बचाने के लिए कौन करेगा पूजा? तो पाहन के द्वारा विशेष पूजा की जाती थी। तो जैसे आपने देखा कि पाहन उधर पूजा करता था तो वो उसको एक भूमि मिलती थी जो कि भूमि लगान मुक्ति और उसे डाली कटारी कहा जाता था। तो भूत खेता जो है भूत प्रेत को भगाने के लिए विशेष पूजा करा जाएगा। इस पूजा के जो है भूमि दान की जाती थी जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी ऊपर जो आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो ऐसी भूमि को जो भूमि दान में दी जाती, किसके लिए? भूमि दान किसके लिए? तो ये भूत वाले पूजा के लिए, उसका नाम क्या था? तो भूत खेता। क्या नाम है? तो भूत खेता जो भूमि है वो पाहन को ही दिया जाता है, लेकिन वैसे विशेष पूजा के लिए जिसमें वो क्या करते हैं, भूत प्रेत के प्रकोप से गांव को बचाने का काम करते हैं। अब जो ये भूत खेता है इस पे जो फसल होगी, इससे जो आमदनी होगी, तो इस भूत खेता से जो आमदनी होती है, इस आमदनी का उपयोग किस पे करते हैं? तो इस तरह के विशेष पूजाओं के लिए किया जाता है। ओके, तो भूत खेता का आप लिखते चलोगे, भूत खेता के पूजाओं के लिए जो खर्च होता है वह आमदनी का उपयोग करते हैं। किसका? के जमीन के आमदनी का। तो भूत खेता के जमीन का उपयोग हम लोग इसमें कर लेते हैं। करेक्ट, लिख रहे हैं इसे, फिर हम लोग इरेज करेंगे, फिर से रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे साइंस का। अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे पहरा पंचायत शासन व्यवस्था, ओके, फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था। अगला क्लासेस थोड़ा आपका लंबा होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी लिख रहे होंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी बहुत पेनिक्स हो रही होगी बट हमें इसे में एक अपने उपाय को निकालना है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहे हैं, इस लॉकडाउन में मैं समझता हूँ कि आप घर पे रहें और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई की गति ना रुके, इसके लिए मैं ये प्रयोग किया हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही क्लास के जैसा माहौल देखने को मिले। बस आपसे हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन मन ही मन आप हमसे जुड़े रहोगे। ओके, और हमारी क्लासेस चलती रहेगी जैसे कि चलती है। ओके, आइए, तो भूत खेता के बाद हम लोग देखते हैं पुजार। क्या है? पुजार या पनभरा, पुजार या पनभरा। ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पनभरा का क्या मतलब है। तो जो पाहन होता है, आपने देखा होगा कि कई बार जब बड़े बड़े पंडित होते हैं उनके सपोर्ट्स के लिए कई अनुयायी होते हैं, तो पाहन का सहायक होता है, ये हेल्पर होता है। आप कहोगे कि पाहन जो है इतना बड़े बड़े काम को कर रहा है, उसका सहायक होता है। ओके, और उसी सहायक का नाम क्या है? पुजार या पनभरा। तो पनभरा बेसिकली कुछ नहीं है, ये पाहन का सहायक होता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका पहरा राजा। क्या नाम है? तो पहरा राजा। आपने देखा होगा कि पढ़ा जो पंचायत होता है उस पढ़ा पंचायत कहाँ बैठती है? अखरा में, और पहरा पंचायत का प्रधान होता है मानकी, लेकिन उस प्रधान से भी ऊपर होता है, इसका नाम क्या है? पहरा राजा है। तो यह आप बोल सकते हैं कि पहरा पंचायत का सर्वोच्च
का सर्वोच्च अधिकारी। तो पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? पहरा राजा। और प्रधान कौन हो गया? मानकी। पढ़ा बैठेगा कहाँ पे? अखरा में। और पढ़ा क्या होता है? कई गांवों को मिलाकर, कौन से किनके गांवों को मिलाकर? तो मुंडाओं के गांवों को मिलाकर। ओके। और उस पंचायत का जो प्रधान होता है वो हाटू मुंडा होता है, और गांव का प्रधान क्या होता है? तो मुंडा होता है। ओके। तो पढ़ा राजा आप देख लिए। और दूसरी बात क्या है कि अन्य जो पद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दीवान, यहाँ पे इनके अलावा भी और भी पोस्ट होते हैं जिसका नाम क्या है? दीवान। अनदर पोस्ट इन द मुंडा मानकी, दैट इज दीवान। नेक्स्ट क्या है? ठाकुर। तो दीवान हो गया, ठाकुर हो गया। नेक्स्ट क्या है? कोतवार हो गया। दीवान, ठाकुर, कोतवार। नेक्स्ट क्या हो गया? पांडे। ओके। नेक्स्ट क्या हो गया? कर्ता। ओके। तथा क्या हो गया? लाल। तो जैसे आपको मैंने कुबर के बारे में बताया था, लाल के बारे में बताया था, आदि नामक अधिकारी होते जो परहा राजा को शासन चलाने में सहयोग करते हैं। तो ये जो परहा राजा को जो सपोर्ट करेगा, क्योंकि यह सबों का हेड होता है, इसको चलाने के लिए दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता और लाल, ये डिफरेंट क्या है? ये सपोर्ट करते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सपोर्ट पूछा जाएगा कि लाल किसको सपोर्ट करेगा, तो परहा राजा को। कर्ता किसको करेगा? परहा राजा को। पांडे किसको करेगा? परहा राजा को। ठाकुर किसको करेगा? परहा राजा को। दीवान किसको करेगा? तो परहा राजा को करेगा। ओके। तो ये मुंडा शासन व्यवस्थाओं की, जो मुंडाओं की शासन व्यवस्था है, और मुंडा का जो अपना एक विशिष्ट पहचान है, उस पहचान के मद्देनजर रखते हुए मैंने मुंडा के एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट पोस्ट होते हैं उनका जो वर्क होता है उसको लेके ये क्लासेस आपको आज करी है। तो आज का क्लासेस मुंडा शासन व्यवस्था। चलिए क्लासेस को हम लोग रिकैप करते हैं। जितनी क्लासेस को हमने पढ़ा है, आज जो पढ़ा है उसको एक समराइज करते हुए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और जस्ट थोड़ी देर के बाद ही आप तब तक जाके वॉश आउट होंगे, पानी वगैरह, चाय वगैरह जो पीना है पी लें। हमारा सेशन चलेगा, डेट इज़ साइंस का सेशन, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आएगा? ब्लड आएगा। क्या आएगा जी? तो ब्लड आएगा। तो ब्लड्स की बात हम लोग करेंगे। ओके। ब्लड का क्लासेस अभी जस्ट थोड़ी देर में शुरू होगी, आप लोग ये करेंगे। जस्ट क्विक रिविजन हम लोग करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्थाओं में सबसे पहला पोस्ट कौन होता है, तो मुंडा। दूसरा पोस्ट आपको क्या दिखा था? एकदम लाइन बाय याद रखिए, हाथू मुंडा। ऐसा क्लास करो कि आपको यहीं पे याद हो जाए, हाथू मुंडा। नेक्स्ट कौन था? तो परहा। या क्या था? तो परहा। नेक्स्ट क्या था? अखरा। नेक्स्ट आपको क्या था? मानकी। ओके। नेक्स्ट आपका क्या था? पाहन। नेक्स्ट आपका क्या था? पुजार। नेक्स्ट आपका क्या था? तो पहरा राजा। ये मोस्टली पद थे। तो देखिए ये क्या है, ये विलेज का हेड होता था, ये गांव का प्रधान कौन कहलाता था? मुंडा। और हाथू मुंडा क्या था? तो आप देख रहे हो कि पंचायत का प्रधान होता था, पंचायत का हेड होता था कौन? हाथू मुंडा। ओके। और ये परहा क्या था? तो ये कई गांवों के, मेनी विलेजेस कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती थी, जिसे हम लोग परहा पंचायत कहते थे। और जिस जगह पे पंचायत होती थी, सिटिंग जिस जगह पे ये पंचायत होती थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अखरा। ओके। और ये मानकी क्या था? तो ये अखरा परहा पंचायत का जो हेड होता था, हेड्स ऑफ परहा। तो परहा का हेड कौन होता था? मानकी होता था। और ये पाहन क्या होता था? तो ये रिलीजियस हेड था, ये रिलीजियस हेड्स था, या पूजा पाठ धर्म कर्म कांड को कराता था। इसे दो प्रकार की भूमि दी जाती थी। पहली भूमि दी जाती थी डाली कटारी, जो कि लगान मुक्त थी, मतलब इस पर किसी प्रकार का लगान नहीं लगता था। और दूसरी जमीन दी जाती थी जिसका नाम क्या है? भूत खेता। तो भूत प्रेत के डर के लिए स्पेशल जो पूजा वो करते थे कौन? पाहन। तो भूत खेता। और ये डाली कटारी जो है, जो भी किस तरह का श्राद्ध किया, पूजा पाठ किया, इन सबों को डाली कटारी कहा जाता था। ओके।
ये पुजार जो था ये क्या था, तो पाहन का हेड्स था। ये पाहन को ये क्या करता था, सपोर्ट करता था उनके कार्यों में। ओके, और ये देख रहे हैं परहा राजा जो है ये कई किला गांव मिलाकर है ना परहा होता था। तो परहा का जो संचालन तो करता था मानकी, लेकिन उसका हेड कौन होता था, तो आप कह सकते हैं चीफ, चीफ ऑफ परहा पंचायत। तो परहा पंचायत का चीफ कौन होता था, परहा राजा होता था। और परहा राजा को सपोर्ट करने के लिए कई अधिकारी होते थे, जो अधिकारी कौन थे, दीवान, दूसरे अधिकारी कौन थे, ठाकुर, ओके, तीसरे अधिकारी कौन थे, कोतवाल, ओके, और चौथे अधिकारी कौन थे, पांडे, और पांचवे अधिकारी कौन थे, कर्ता, ओके, एवं नेक्स्ट अधिकारी कौन थे, लाल, ओके। तो ये आपका हो गया शासन व्यवस्था। देखो कल की जो क्लासेस हम लोग करेंगे ना, उसमें सिर्फ शासन व्यवस्था को ही हम नहीं देखेंगे। जैसे कल की जो हमारी क्लासेस होगी आपकी उड़ाव जनजाति पर होगी, तो उड़ाव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाती है। तो उड़ाव जनजाति के बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे और पूरे पंचायत व्यवस्था उनको देखेंगे, फिर उनके यहाँ जो शादियां होती हैं, युवा गृह होते हैं, वो सारे को डिटेल हम लोग देखेंगे। ओके, ये मुंडा शासन व्यवस्था को देखने के बाद, ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे उड़ाव, और उड़ाव में काफी डिटेल से हम लोग कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू, इसी तरह पे समय पे आते रहें। आपके क्लासेस, जो हमारी क्लासेस जैसे चलती है आपके शेड्यूल्स में वैसे ही चला करेगी। ओके, बस थोड़ा सा रेस्ट करें आप और तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने साइंस के सेक्शंस को लेकर। फाइन, थैंक यू।